हेलो दोस्तों, ये हम लोग का सैमसंग का फ्रिज है। इसका प्रॉब्लम यह हो रहा है कि ये मतलब गैस डालने के बाद 5-6 दिन के बाद फिर कूलिंग होना बंद हो जा रहा है। ठीक है, मतलब लाइट जल रहा है लेकिन कूलिंग नहीं हो रहा है। तो इसका प्रॉब्लम क्या हो सकता है, अभी हम लोग इसको ट्रेस करेंगे। ठीक है, कहाँ से लीकेज है, कहाँ से क्या हुआ है, इसका ऑयल तो नहीं चढ़ गया चैम्बर में। ठीक है, वो सब आज हम लोग इस वीडियो में चेक करेंगे। दोस्तों, आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले मैं अभी चैम्बर को चेक कर रहा था, इसको खोल के यहाँ से। ठीक है, इसको मैं खोल दिया। ठीक है, यहाँ से मैं खोल के देखा इसको, तो ये हम लोग का चैम्बर तो यहाँ से लीकेज नहीं दिख रहा। ठीक है, तभी हम लोग यहाँ से प्रेशर मार के इसको चेक करना होगा। ओके, उसके बाद हम लोग दोस्तों, सबसे पहले मैं एक काम कर लेता हूँ। जो ये होता है यहाँ का जेक, जो ये थर्मास्टेट और बल्ब का जो जेक यहाँ लगा हुआ है, इसको मैं सबसे पहले खोल लेता हूँ। उसके बाद फिर ये हम लोग का सेंसर जो है यहाँ से चिपका हुआ रहता है, इसको निकाल देता हूँ। ठीक है, उसके बाद ये हम लोग का निकल गया है। ये हम लोग का निकल गया है बल्ब और ये थर्मास्टेट का। ठीक है, तो अभी इसको हम लोग निकालेंगे यहाँ से डायरेक्ट। ये नया चैम्बर है, लगाए थे ठीक है कुछ दिन पहले, तो इसका कूलिंग हो रहा था कुछ दिन, और कुछ दिन के बाद फिर रुक गया। तो इसको हम लोग चेक करेंगे कि कहीं हम लोग का फॉल्ट से तो ये लीकेज तो नहीं हुआ। तो इसको हम सबसे पहले इसको खोल लेंगे चैम्बर को, उसके बाद फिर इसको पानी में डाल के चेक करना होगा। ठीक है दोस्तों, ये उससे पहले हम लोग बनाए थे, ये 2 साल पहले, ये हम लोग का जो ये कंडेंसर कोयल होता है, इसको हम लोग चेंज किए हुए थे, जो अंदर का ये कंडेंसर लीकेज था। ठीक है, तो कुछ दिन ठंडा हो रहा था और कुछ दिन के बाद फिर बंद हो जाता था। तो ये हम लोग चेंज करके फिर 1 महीना चलाया हो, तो उसके बाद फिर ये वैसे प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, तो इसको देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका अंदर का डीप फ्रीजर को खोलेंगे। ठीक है, ये हम लोग का कंप्रेसर है। ठीक है, यहाँ से हम लोग ये सेक्शन को खोलेंगे, उसके बाद फिर यहाँ से कट कर देंगे यहाँ से कैपिलरी को। तो इसको सबसे पहले हम लोग खोल लेंगे इसका रिले और ओवरलोड को। ठीक है, ये हम लोग रिले ओवरलोड, इसको सबसे पहले हम लोग खोल लेंगे, उसके बाद फिर। तो दोस्तों, सबसे पहले आप ये पाइप सबको निकालने से पहले सबसे पहले आपको गैस उड़ाना चाहिए। ठीक है, गैस उड़ाना होगा, उसके बाद आप इसको खोल सकते हैं। नहीं तो फिर आपका यहाँ से गैस अगर आप फीड मारेंगे तो अचानक यह गैस से लीकेज होगा, तो आपका कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको गैस को उड़ाएंगे। अभी ये चार्जिंग वॉल का यहाँ से गैस को उड़ा देंगे। दोस्तों, ये हम लोग का ऑयली ऑयली है थोड़ा। ये हम निकाल लिए, तो इसमें गैस नहीं बता रहा, गैस तो नहीं निकल रहा। ठीक है, तो अभी हम लोग इसमें हीट मारेंगे। ओके, तो उससे पहले एक हम लोग काम कर लेते हैं। ये जो ये कैपिलरी आया है, ये कैपिलरी ट्यूब को यहाँ से कट कर देना है। कट हो गया हम लोग का कैपिलरी ट्यूब, और ये हम लोग का निकाल देना है। ठीक, दोस्तों, ये हम लोग का कैपिलरी ट्यूब कट हो गया। दोस्तों, मैं कैपिलरी पाइप कटर ले जाता हूँ उसको। ठीक है, मैं इसको हीट करके नहीं निकाल रहा हूँ अभी। ठीक है, मैं बाद में इसमें अपना 316 पाइप जोड़ के इसको मैं जोड़ सकता हूँ। ठीक है, तो अभी मैं इसको खाली निकाल दे रहा हूँ, खाली यहाँ से काट दे रहा हूँ। ठीक है, पाइप कटर से। दोस्तों, ये हम लोग का कट हो गया, अब इसको हम लोग यहाँ से खोल देना है इसको। ठीक है, इसको खोल दिया मैं, उसके बाद ये यहाँ से राउंड कर दिया था इसको, मैं अब उसको उधर से टांग के निकालूंगा। तो इसको सबसे पहले निकालना होगा।
इसको मैं कट कर दे रहा हूँ। दोस्तों इसको अभी हम लोग इसको स्ट्रेट करना, मतलब सीधा कर देना है इसको इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से सीधा करना है। इसमें जो टेपिंग किया हुआ है इसको काट के निकाल देना है, ठीक है। अभी तो मैं इसको निकाल दिया हूँ, ठीक है, यहाँ से टेपिंग को मैं निकाल दिया हूँ। इसके बाद इसका अंदर का जो होता है एयर डीप फ्रीजर को, इसको निकालेंगे, ठीक है, इसको अभी टान के निकालेंगे इधर से। सबसे पहले मैं इधर देता हूँ, ये निकल गया है। और उसका अभी हम लोग प्रेशर मार के उसको चेक करना है कि लीकेज है कहाँ से इसका, ठीक है। उसको मैं अच्छी तरह से स्ट्रेट कर लेता हूँ। एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, ये इधर से आप कभी भी इसको अगर आपका फ्रीजर में अगर प्रेशर डालना है तो इधर से आप प्रेशर डालिएगा, ठीक है। इधर आप चार्जिंग वायर लगा के इधर आप इसको सील कर सकते हैं और इधर से आप प्रेशर मार सकते हैं, ठीक है। अगर इधर से मारेंगे तो इधर से आपका अगर ऑयल होगा तो इधर आके आपका यहाँ आपका जाम हो सकता है, ठीक है। फिर आपका ये चोकिंग का प्रॉब्लम हो सकता है। तो सबसे ज़्यादा तो यूज कीजिएगा यहाँ से आप प्रेशर मारने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। दोस्तों मैं प्रेशर मारने का वीडियो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको, ठीक है, इसको कैसे प्रेशर मारते हैं। दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगा, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा।